नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। ज्योतिषी शास्त्र में राशिफल के माध्यम से विभिन्न काल खंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको शुक्रवार के दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसका कैसे पूजा करने से आपको फल मिलेगा ये बता देती हूँ। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार हर दिन किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित है। शुक्रवार का दिन धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख संपत्ति प्राप्त होने की मान्यता है, लेकिन सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शुक्र खराब है। चलिए आपको बता देती हूँ। कुंडली में शुक्र के कमजोर होने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियां और भौतिक चीजों की कमी सताने लगती है। जीवन में दरिद्रता का आगमन भी शुक्र ग्रह में पीड़ित होने के कारण आती है। व्यक्ति में आकर्षण खत्म हो जाता है, वे साफ सुथरे तरीके से नहीं रहता है, वैवाहिक सुख कम हो जाती है। माँ लक्ष्मी का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र देव शुभ अवस्था यानी कि मजबूत होते हैं, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं शुक्रवार के दिन व्रत रखने से और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होने की मान्यता है, लेकिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करे चलिए आपको बता देती हूँ। हर शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करे। शुक्रवार का व्रत रखे। शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए यह कार्य लाभदायी होगा। प्रति शुक्रवार को एक नियमित समय पर श्री सूतक का पाठ करें। इससे जहां शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, वहीं कुछ ही समय में लाभदायी परिणाम भी मिलने लगेंगे। घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और उनके विविध श्री स्वरूपों के दर्शन करने से कमल पुष्प चढ़ाकर पूजन करें और श्री सूतक का पाठ करें। यही घर में सुख समृद्धि लाने का सबसे आसान उपाय है। अगर नौकरी व्यापार या किसी अन्य कार्य में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार को काली चींटियों को शक्कर खिलाने से आपकी बाधाएं दूर होंगी। देवी लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार के दिन कमल पुष्प शंख कौड़ी कमल गटैया माला मखाने या बताशे इन चीजों को देवी माँ को अर्पित करने से जीवन में धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। और चलिए अब आपको राशिफल बता देती हूँ और मेष राशि के साथ शुरुआत करते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि वे कहीं बाहर काम करते हैं तो उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की कहे, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। चलिए आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग भूरा है और शुभ अंक 9 है। और मेष के बाद अब बात करेंगे वृष राशि की और जानेंगे वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के कारण खटास उत्पन्न हो सकती है और दूरियां बढ़ जाएगी। आपका मन अशांत रहेगा लेकिन किसी से कहेंगे नहीं। चलिए आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग नारंगी है और शुभ अंक 6 है। वृष के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज के दिन किसी के द्वारा अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा जो उनके मन को खुश कर देगा। चलिए आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग ग्रे है और शुभ अंक 5 है। चलिए अब कर्क राशि की बात करेंगे और जानेंगे इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आप अपने व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे जिसका उचित लाभ भी आपको मिलेगा। परिवार में किसी चीज को लेकर खुशी का माहौल रहेगा। चलिए आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग सफेद है और शुभ अंक 1 है। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। छात्रों को अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम मिलेगा लेकिन फिर भी मन निराश रहेगा। किसी चीज की चिंता रह सकती है जिस कारण किसी काम में मन नहीं लगेगा। आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 8 है। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश किए हुए पैसे से लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में लोग आज बाहर निकलने से बचे, अन्यथा कुछ अनहोनी घटित हो सकती है। आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 2 है। और अब तुला राशि की बात करते हैं। घर में पत्नी और माँ का झगड़ा हो सकता है। आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। घर की बातों को बाहर कहने से बचे, अन्यथा ये आपके लिए उल्टा पड़ेगा। आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग नारंगी है और शुभ अंक 3 है। और अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं और जानेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। जॉब में समस्या उत्पन्न होगी और आपके काम से बॉस खुश नहीं दिखाई देंगे। हालांकि आप अपना 100% देने का प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाएगी। आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 4 है।
और अब धनु राशि की बात करेंगे। कॉलेज के छात्रों को आज अपने साथियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने प्रोजेक्ट को लेकर आप आश्वस्त नजर आएंगे। भाई बहन का भी भरपूर साथ मिलेगा। आपका शुभ रंग पीला है और शुभ अंक एक है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। इंजीनियरिंग, फैशन और मीडिया के छात्रों के लिए आज का दिन शुभ है और उसके लिए कुछ अच्छे जॉब ऑफर भी आ सकते हैं, इसलिए अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें। चलिए आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग काला है और शुभ अंक आठ है। चलिए अब कुंभ राशि की बात करते हैं। निजी नौकरी कर रहे लोगों को आज काम का बोझ कम होगा और उनका ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ व्यतीत होगा। चलिए आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग आसमानी है, शुभ अंक दो है। और अब अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आज जो काम आप सोचेंगे या करने के लिए घर से निकलेंगे वे पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन बाहर जाना व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसे में निराश ना होए। आपका शुभ रंग संतरी है और शुभ अंक तीन है। चलिए बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।